हाय शार्क्स, मैं हूँ करण। और मैं हूँ सैनिल। हम हैं को-फाउंडर्स और जिराफ के। आज हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 7.5% ऑफ द इक्विटी। अरे अरे शार्क्स, रुक जाइए, आप ये लिख क्यों रहे हो? क्यों, चेक लिख रहे थे। तो फिर ठीक है। एक काम करिए, अपने नोटपैड्स और नोटबुक्स को आज साइड में ही रख दीजिए। आजकल इतने सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल है आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए, तो ये पेन और पेपर की क्या जरूरत। वैसे भी लोग कहते हैं कि आजकल लिखता कौन है। सो शार्क्स, वी आर हियर टू ब्रेक दैट मिथ। आज भी 65% ऑफ द पीपल लिखना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू टाइपिंग, इंक्लूडिंग आर जेन ज़ी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राइटिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको अपनी चीज़ें आसानी से याद रहती हैं, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपके माइंड डीक्लटर होता है और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे जर्नलिंग एक काफ़ी आसान तरीका है आपको अपने इमोशंस समझने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करने के लिए। थेरेपिस्ट भी अराउंड द वर्ल्ड जर्नलिंग को और प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसमें सुधार लाने की शुरुआत कहाँ से करें। और इसीलिए हमने शुरू किया ऑड जिराफ। ऑड जिराफ एक ऑनलाइन वेलनेस ब्रांड है जो इजी टू यूज मेंटल हेल्थ टूल्स क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गाइडेड जर्नल्स, प्लानर्स एंड नोटबुक्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स साइंस बैक रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से समझ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। अमित, अगर जैसे आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करना हो तो आप हमारे प्रोडक्टिविटी प्लानर यूज़ कर सकते हैं। नमिता, ठीक उसी तरह अगर आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम करनी हो, रिड्यूस करनी हो, तो आप हमारे गाइडेड जर्नल्स यूज़ कर सकते हैं। और विनीता, अगर आपको डेली टास्क, डेली टू डू लिस्ट बनानी हो तो हमारे नोटबुक्स और टू डू लिस्ट तो है ही। हमारे सारे प्लानर्स और जर्नल्स 100 से भी ज़्यादा डिजाइन्स में अवेलेबल है। ये सारे प्रोडक्ट्स मेड टू ऑर्डर है और आप इन्हें पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर है और इंस्टाग्राम पर 84,000 फॉलोअर्स की कम्युनिटी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट oddjiraffe.com से ऑर्डर कर सकते हैं। शार्क्स, हम इस वेलनेस रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहते हैं और एक कैटेगरी डिफाइनिंग ग्लोबल स्टेशनरी ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो शार्क्स, हु इज रेडी टू जॉइन द रेवोल्यूशन? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ जर्नल, इट्स योर जर्नी। और जिराफ, या इट्स अ वेरी क्यूट नेम एंड आपका सब बहुत गुड लुकिंग होता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी ब्रांड पता है, आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं। यस एंड स्टेशनरी में गुड लुकिंग आई थिंक एस्थेटिक्स इज द मोस्ट। एग्जैक्टली, द पर्सनलाइज्ड है, नाम लिखा हुआ है यहां पर। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। वेरी हाई क्वालिटी, वेरी एस्थेटिक। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू। मतलब मैंने प्लानर्स यूज किए, मेरी इस क्वालिटी का मैंने आज तक। करेक्ट करेक्ट, अमेजिंग। आप पर्सनलाइज कर सकते हैं और अपने नाम के साथ हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं। लवली, यू नो। And I love the quotes. Brené Brown is one of my favorite influencers. And ये जो इन्होंने बनाया है, I am grateful for what would make today great. Correct. I think ऐसे taking out some moments to do this mindfulness is great. At least Gen Z तो बहुत believe करते हैं। Definitely. करण और सैमिल, थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा backgrounds, कहाँ से business idea है? मैंने advertising में graduation किया है, उसके बाद मैं advertising agencies में काम करना शुरू किया, काफी brands के साथ काम किया for 2 or 3 years. Which brands? Nat Geo, Pepsi, IPL, Nivea, काफी Indian और global brands के साथ काम किया था। उसके बाद I realized I really want to do my own business. तो मैंने at the age of 23 अपनी खुद की agencies शुरू की। अच्छा। हमने Discovery Channel, Paytm Insider, Bacardi, ये सब के साथ, उनके साथ digital content create करना, website create करना हमने शुरू किया। Agency का नाम क्या था? 23. मैंने भी एडवर्टाइजिंग में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी करण ने जस्ट उसकी एजेंसी शुरू की थी। मैंने करण के साथ एज इंटर्न ज्वाइन कर लिया और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई मैं वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन हो गया और हम दोनों ने फिर साथ में काम कंपनी को आगे बढ़ाया। कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे थे? एसके सोमाया। सोमाया, आप दोनों में से क्रिएटिव और एस्थेटिक कौन है यूआई यूएक्स में? So this is me. So बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, फॉन्ट, थैंक यू, क्लीनलीनेस, थैंक यू, पेपर क्वालिटी, एवरी स्मॉल थिंग इज वेरी लीट। थैंक यू सो मच। आप क्या करते हो? एक्चुअली हमारी कंपनी जो है बहुत छोटी, हम 2 ही लोग की कंपनी है ये पूरी। दैट्स इट। हां, तो मैं जो है पूरा फाइनेंस और जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है वो देखता हूँ बिजनेस का। और मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर हो गया, पैकेजिंग हो गई, डिजाइन हो गई, वेबसाइट, दैट आई लुक आफ्टर। तो जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन स्प्लिट कर दिया। आपका इक्विटी कैसे स्प्लिट है? इट्स इक्वल।
And is it a private limited company? It is a private limited company. Funding uthaiye pehle. So we did in 2019 when we started in 2018. So 2019 we went full time with it. उसके बाद हमने first initial check लिया था for 25 lakhs. अच्छा. For 10%. आप पहली कंपनी हो जिसने funding उठा के एक भी employee नहीं hire किया. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. या बिकॉज उस टाइम पे हमने सिर्फ शुरू करने के लिए फंडिंग ली थी. हम काफी फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं, इंटर्न्स के साथ काम करते हैं. अभी स्केल कितना बड़ा हो गया? हमने लास्ट ईयर का रेवेन्यू जो किया था 22-23 के लिए, दैट वाज 4.1 CR. नाइस, वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड. 1 CR. दो लोग बैठ के यू नो विदाउट विद फ्रीलांसर्स 4.1 CR कर रहे हैं इन अ कैट. अब प्रोजेक्शन कितना है इस साल? 8-9 CR विल गो. मैं सोचा नहीं था, मैं जब आए थे मैंने सोचा 20-25 लाख का. 100% मैंने भी ऐसे ही सोचा था. एक चीज बोलते हैं सेल पर एम्प्लॉई, राइट? राइट. मेट्रिक होता है रेवेन्यू पर एम्प्लॉई. राइट राइट. 8 करोड़ दो एम्प्लॉई. यस. 4 करोड़ पर एम्प्लॉई. बहुत बढ़िया. ये शार्क टैंक का रिकॉर्ड है आई थिंक. सीरियसली. फॉर श्योर. लिया करो, निकाल दिया करो, ताकि टोटल दो लोग ही रहे. नहीं, हम ये सोच रहे हैं सर, नहीं, आठ से और ऊपर जाना है ना सर, इसलिए फिर दो लोग 8 करोड़ का बिजनेस. मैं आई कांट गेट ओवर इट. थैंक यू. थैंक यू. लास्ट मंथ कितना किया? 27.8 लाख. मुझे लग रहा है कि आपके बिजनेस में इट इज प्राइमरली अ गिफ्टिंग बिजनेस. नॉट रियली, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया यू डूइंग 27.8 लाख, दैट पुट्स यू एट अ रन रेट ऑफ 3.25. लेकिन 8-9 करोड़ अगर करोगे तो वो गिफ्टिंग का जब आएगा आफ्टर फेस्टिव सीजन. गिफ्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई थिंक, बिकॉज़ जर्नी बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो जो गिफ्टिंग आप बता रहे हो, ऑफ कोर्स वो एक पार्ट है बिजनेस का. आई मीन मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट भी होगा, राइट है वो. बट ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो लास्ट ईयर हमारा शुरू हुआ है. उसके पहले हमारा इन्वेंटरी बेस्ड पूरा मॉडल था. हमने जब लास्ट ईयर इसे चेंज किया. क्या चेंज किया आपने? मेड टू ऑर्डर बना, मेड टू ऑर्डर बिजनेस हो गया, जिससे हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी 5 से डायरेक्ट 500 SKUs हम लोग रख सकते हैं. और प्रॉफिटेबल होंगे ना आप तो? हमने ब्रेक इवन किया था ये साल. वेरी गुड. या एंड वी दिस ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल. पिछले महीने कितना प्रॉफिट बनाया हो? पिछले महीने हमारा जो 27.8 लाख का जो रेवेन्यू था उसमें हमारा नेट लॉस था अराउंड 3.25 लाख का. जो जैसे हम लोग नवंबर दिसंबर जो हमारे लिए बिग बूम होता है. yep. जो कि हर बिजनेस में होता है कि एक सीजन एक पार्ट होता है, वो एक बूम पीरियड होता है हर बिजनेस के लिए. वैसे हमारे लिए Q3 और Q4 है. अगर ऐसा है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं. right. कोई एक कंपनी बहुत right. बड़ी भी होनी चाहिए आपसे बहुत बड़ी. कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है? ग्लोबली काफी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं. इंडियन अभी नहीं है कोई. हम पहले लीड कर रहे हैं. ग्लोबली कौन है? फ्रेंच कंपनी कौन सी है? Moleskine. इटालियन. कितनी लार्ज है, एक बार थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को. दे आर $200 million कंपनी. तो ये इंडिया में कैचअप नहीं किया क्या अभी? इंडिया में अभी तक कैचअप नहीं किया. वो अभी कैचअप कर रहा है और ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है. जैसे मैंने बताया, ईयर ऑन ईयर हमारी सेल्स बढ़ते जा रही है. अब आपने ग्लोबल एक तो कंपनी बता दी, तो ये भी बता दो कि वहाँ पर जो बिकने का प्राइस पॉइंट होता है और यहाँ पर right. काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. काफी डिफरेंट है. तो मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा. मार्जिन स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा. यहाँ पर अपना कितना स्टेडी स्टेट एबिटा बन सकता है इसके अंदर? एनीवे टू बिटवीन 10-15%. जैसे मैं बता, जो ग्रॉस मार्जिन है हमारा एट प्रेजेंट 80% ग्रॉस मार्जिन है. तो वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? सारा मार्केटिंग में जा रहा है. सारा मार्केट, क्योंकि एट प्रेजेंट जैसे कैटेगरी लाइक क्रिएटिंग हमारा जो ये है कैटेगरी क्रिएशन बिजनेस है, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा मार्केटिंग के लिए हम लोग ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इनिशियली. ये कितने का आता है? 1599. 1600 रुपए में बहुत महंगा नहीं खरीदने के लिए? जो हमारी टार्गेटिंग है वो इसे काफी अच्छी. सिंपल अगर मैं मार्केट से ब्रेक करूँ राइट, तो एक हाउस होल्ड की एक मिनिमम इनकम होना जरूरी है टू बाय दिस, अगर बच्चे को खरीदना है. इंडिया में टैक्स पेयर 7 करोड़ लोग फाइल करते हैं, 2.5 करोड़ लोग केवल टैक्स पे करते हैं. राइट. इस प्राइस पॉइंट में अगर बच्चा खरीद रहा है तो एवरेज फैमिली की इनकम 20 लाख तो होनी चाहिए. राइट. केवल ऐसे हाउस होल्ड इंडिया में करोड़ 1.25 करोड़ है इनकम है, तो अपना मार्केट है वो छोटा हो चुका है इसके. हमारी नोटबुक्स जो शुरू होती है वो 699-799 से भी शुरू होती है. हमारे बाकी प्रोडक्ट जो है 499 से भी शुरू होते हैं. एवरेज प्राइस कितना आपका? एवरेज 1650. 1650 का एवरेज है ना एवरेज ऑर्डर वैल्यू. जेन जी खरीद रहा है जिसके पेरेंट्स रिच ऑलरेडी है. राइट. अच्छा, आपका सबसे ज्यादा क्या बिकता है? हमारे अभी प्लानर सबसे ज्यादा बिकते हैं. ये जो प्लानर आपने दिया मुझे इस टाइप का, राइट जी, दिस इज द रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल प्लानर. जो आप अगर गूगल कैलेंडर पे जाओगे हाँ. तो बिल्कुल वो आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया है. विच डजंट वर्क. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि बहुत लिमिटेड कॉल्स ईमेल के लिए 2 लाइन है. So we have different types of planner. Planners. आपके पास जैसे है ये daily planner है, right? उसमें हमने पूरे day की scheduling आपको दी है. Similarly हमारा एक productivity planner है जिसमें ज़्यादा space है आपके पास लिखने के लिए. मैं आपको और एक चैलेंज बताती हूँ. ये बहुत इजीली कोई आपके बुक्स खरीद के replicate कर सकता है. Right. So ये जो barrier to entry है इट हैज टू बी हाई, ताकि फिर आप स्केल कर सके. Right. अगर barrier to entry low होता है तो फिर आप स्केल नहीं कर पाते. Right. Correct.
आप कह रहे हो अब लोग वापस लिखना शुरू कर रहे हैं। I don't agree, bro. जैसे विनीता ने शुरुआत में कहा कि Gen Z जो है वो काफी बिलीव करती है ये सारी चीजों में। जर्नलिंग एनालॉग प्रोडक्ट्स में वही बोल रहा था। नो जर्नलिंग एज अ बट नॉट बट डिजिटली वुमेन नॉट रियली डिजिटली हैंड रिटन। सो मैं वही बोल रहा था जैसे कि जो नई जनरेशन है। कैसे पता? मैं वही बता रहा हूँ, रिसर्च किया है। मैं वही जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है वो आजकल बहुत ज्यादा बिलीव करती है, उन्हें रियलाइज हो चुका है कि टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड इज एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। इसीलिए वो लोग ज्यादा स्पेंड करते एक्सपीरियंसेस पे, एनालॉग प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो जो जनरेशन है पूरी वो डिजिटली वर्ल्ड में बॉर्न हुई है। वो कैसी बात कर रहा है यार? मेरी वाइफ को बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है, उसकी खान मार्केट में 2-3 दुकानें हैं जो उसे बहुत अच्छी लगती है, सारी बंद हो गई। आप ये जो क्लेम कर रहे हो कि Gen Z वापस लिखने की तरफ जा रहे हैं और वो इस पे प्लानिंग करेंगे, आई जस्ट डोंट, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैक्ट। अंडरस्टूड। आई एम आउट अनफॉर्चुनेटली, दो आई लव राइटिंग। मुझे लगता है कि ये मार्केट विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस साइज में, क्योंकि जो यंगस्टर्स है, मैं मेरे खुद के बच्चों को देखती हूँ, राइटिंग करते हैं लोग बट डिजिटली करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, बैरियर टू एंट्री इज लो, ईजी टू कॉपी, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को आप लोग अच्छे लगे, आपकी ये क्वालिटी अच्छी लगी, आपकी लुक एंड फील अच्छी है, प्रोडक्ट में दम है, बट मेरे को लगता है ये बहुत नीश मार्केट है। और सेकंड, आई मेरा कॉन्सेप्चुअली मैं अग्री नहीं कर पा रहा इस बात पे जो आपने सुनी लिया मेरी डिस्कशन से। आई एम आउट। आपका जो बिजनेस है जर्नलिंग, बहुत स्पेसिफिक है टू Gen Z वुमेन एंड सोशल मीडिया सैवी मेट्रो, तो बहुत नीश है, एंड ऊपर से द बैरियर ऑफ 1600 का, इवन 1000 रुपए या 800 का प्राइस पॉइंट, राइट, स्मॉल ऑडियंस है, नॉट स्केलेबल बिजनेस एट द मोमेंट, सो आई एम आउट। देखिए यार, फर्स्ट लेसन इज बिजनेस, आप मार्केट को नहीं बदल सकते ओवरनाइट, राइट, राइट। और अगर मार्केट बहुत छोटी है, या तो कोई ऐसा टेलविंड हो, ऐसा ट्रेंड हो जो अपने आप मार्केट को बढ़ा रहा है तेजी से और आप उसमें कूद गए, यहाँ पर तो ट्रेंड भी आपके अगेंस्ट है। आई डोंट थिंक यू शुड रेज कैपिटल। आपको अगर पैशन है इस बिजनेस का, तो आप इसको अच्छी तरह से छोटे तरीके से बढ़ाइए, कट डाउन ऑल योर अननेसेसरी कॉस्ट, राइट, डोंट डिस्गाइज योर मैन पावर कॉस्ट बाय आउटसोर्सिंग, वो मैन पावर ही कॉस्ट है, आपने आउटसोर्स कर लिया तो क्या हुआ, राइट, ठीक है, और उसको प्रॉफिटेबली चलाइए। ये इसमें डोंट बी इन द फैलेसी कि आप रेस कर दोगे एक बड़ा बिजनेस बना लोगे, ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। मार्केट छोटा है, प्राइस पॉइंट जो आपने रखा है उसके बाद तो बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कम आउट अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम की, बड़ा इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, पैशन का हॉबी प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं भी बाहर हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड आई विल गिफ्ट दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।